Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर मिस परवीन मलबारी। आज की कक्षा में हम विशेषण यानी कि एडजेक्टिव के बारे में सीखेंगे। विशेषण का अर्थ, विशेषण के लिए उदाहरण, विशेषण के प्रकार, इन सभी के बारे में आज की कक्षा में हम सीखेंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं विशेषण का अर्थ। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण, घोड़ा तेज भागता है। यहाँ पे तेज जो है वो विशेषण शब्द है। कविता बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी, ये जो शब्द है ना, ये विशेषण शब्द है। विशेषण, विशेषण के प्रकार, विशेषण के चार प्रकार हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। ये सभी विशेषण के प्रकार हैं। विशेषण के टोटल चार प्रकार हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं विशेषण का पहला प्रकार जो है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, तलवार की धार तेज है। नया ठेकेदार ईमानदार था। ये गुणवाचक विशेषण के लिए उदाहरण है। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा जो विशेषण का प्रकार है वो है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, एक डॉक्टर ने कुछ मरीजों की जांच की। यहाँ पे एक और कुछ संख्यावाचक विशेषण शब्द है। मेरे पास 10 किताबें हैं। 10, ये जो है संख्यावाचक विशेषण शब्द है। संख्यावाचक विशेषण में दो प्रकार हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये संख्यावाच के ही दो प्रकार हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, राहुल 8वीं कक्षा में पढ़ता है। टोकरी में 4 आम है। इन दोनों वाक्यों में 8वीं और 4, ये जो है ना, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द है। जो दूसरा उपभेद है संख्यावाचक का वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास कुछ किताबें हैं। कुछ मतलब यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर इतने ही बोला नहीं गया है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के लिए उदाहरण है। मैदान पर थोड़े ही बच्चे हैं। थोड़े, ये अनिश्चित संख्यावाचक के लिए संख्यावाचक शब्द है। परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप, तोल और बोध कराते हैं
उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो आटा दो, यहाँ 1 लीटर दूध है, यहाँ पे किलो और लीटर जो परिमाणवाचक विशेषण शब्द हैं। किलो और लीटर ये दोनों जो शब्द हैं ये परिमाणवाचक विशेषण शब्द हैं। परिमाणवाचक विशेषण में ही 2 प्रकार होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, डिब्बे में 1 किलो दाल है, बाजार से मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया, 1 किलो और 4 मीटर ये दोनों निश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द हैं। जो दूसरा उपभेद है परिमाणवाचक विशेषण का वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, तुम थोड़ा पानी पी लो, बाजार से कुछ चावल ले लो। इन दोनों वाक्यों में थोड़ा पानी और कुछ चावल ये दोनों शब्द जो हैं वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द हैं जो निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण का अगला जो प्रकार है वो है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, वहाँ लड़का प्रथम आया, यहाँ तोता बोलता है, ये सार्वनामिक विशेषण के लिए उदाहरण है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? विशेषण, विशेषण का अर्थ और प्रकार।